06 फरवरी 2009 को रिलीज हुई थी देव दी अनुराग कश्यप की बनाई मॉडर्न देवदास। सीडी से एक स्टेप बढ़कर अब तक हम डीवीडी लाने लगे थे। कहां एक फिल्म की तीन तीन डिस्क और कहां एक डिस्क में चार से पांच फिल्में। खैर तो हम भी बड़े शौक से लाए थे देव दी, क्योंकि उस जमाने में अभय देओल का नया नया जलवा शुरू हुआ था। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि अभय देओल क्लास एक्टर है। चलिए इस फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां जानते हैं। देव दी में ही है वो कल्ट सॉन्ग इमोशन अत्याचार। ये सॉन्ग नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नितिन चैनपुरी पर फिल्माया गया था। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म इंडस्ट्री के नामी एक्टर है, लेकिन नितिन चैनपुरी गायब हो चुके हैं, मतलब उनकी कोई खबर किसी को नहीं है। नितिन चैनपुरी कहां गए, किस हाल में हैं, अब क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि पता नहीं चला नितिन चैनपुरी कहां चला गया। वैसे मैंने भी इंटरनेट की दुनिया में नितिन चैनपुरी को तलाशने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे भी कुछ पता नहीं चल सका। बस इतना ही पता चला कि नितिन चैनपुरी पटना के रहने वाले थे। अब से सही है या गलत मैं पुष्टि नहीं कर सकता। इस फिल्म में एक सीन है जब चंदा कल्की कोचलिन का MMS वायरल हो जाता है और उसके पिता खुदकुशी कर लेते हैं। फिल्म में चंदा दिल्ली की रहने वाली एक लड़की है। ये किरदार काफी दिल्ली के उस बदनाम MMS कांड से प्रेरित है जिसमें DPS की एक लड़की दिखाई देती है। साल 2004 में DPS की उस लड़की का वो MMS देश में सनसनीखेज तरीके से वायरल हो रहा था। MMS नामक टर्म से भारत के लाखों लोग तब ही पहली दफा वाकिफ हुए थे, और इत्तेफाकन जो लड़की उस MMS में है उसके पिता ने भी वास्तविक जीवन में सुसाइड कर लिया था। इमोशन अत्याचार सॉन्ग से जुड़ी एक और कहानी बताता हूँ। संगीतकार अमित त्रिवेदी पहले चाहते थे कि ये गीत दो कव्वालों से गवाया जाए, यानी एकदम कव्वाली स्टाइल। अमित त्रिवेदी ने इस गीत के लेखक अमिताभ भट्टाचार्य के साथ ये गीत बतौर सैंपल रिकॉर्ड किया और अनुराग कश्यप को सुनाया। अनुराग कश्यप को इन दोनों का गाया गीत इतना यूनिक लगा कि उन्होंने कहा, ये गाना कव्वालों से नहीं गवाएंगे, इसे तुम दोनों की आवाज में ही रिकॉर्ड करेंगे। और इस तरह ये गीत अमित त्रिवेदी और अमिताभ भट्टाचार्य ने गाया। लेकिन सरप्राइजिंगली इस गीत का क्रेडिट दो बैंड मास्टरों रंगीला और रसीला को अनुराग कश्यप ने दिया है। बकौल अनुराग, वो ब्रास बैंड को ट्रिब्यूट देना चाहते थे, इसलिए गीत के क्रेडिट्स में मास्टर रंगीला और मास्टर रसीला का नाम दिया है। वैसे गीत में उन्हीं की बैंड पार्टी ही नजर आती है। तो साथियों, क्या आपने ये फिल्म देखी है? अगर हाँ तो आपको ये फिल्म कैसी लगी थी? मैं अपने बताऊं तो मुझे तो उस वक्त पसंद नहीं आई थी, हालांकि फिर कभी दोबारा मैंने ये फिल्म नहीं देखी। हो सकता है आज देखूं तो शायद सही लगे, देख ही लेता हूँ किसी दिन।